हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए वास्तविक में ये है क्या। देखिए, अभी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है और वो आंदोलन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के लिए है। सबसे पहली बात, और मैं आंदोलन से संबंधित बता दूं कि आप लोगों का कमेंट आया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो आंदोलन किए जा रहे हैं वो कब, कहाँ और कितने बजे से किए जाएंगे, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग उसमें सम्मिलित हो जाए। देखिए, मेरे पास ऐसा कोई भी जानकारी नहीं आया है। तीन जगहों की जानकारी आई थी जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित थी, तो वो जानकारी मैंने ऑलरेडी जो तो आप लोगों के साथ में साझा कर दिया है कि कब, कहाँ और कितने बजे जो तो आंदोलन किया जाएगा। समय तो फिक्स है कि कल के डेट में होना तय है और समय 11 बजे, ये भी फिक्स है कि 11 बजे होना तय है, लेकिन कहाँ होगा और कौन 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 से राज्य में कहाँ कहाँ पे होगा, ये आपके जो राज्य के राष्ट्रीय समन्वयक हैं और तो उनसे आप संपर्क करके जो तो बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, श्रम मंत्रालय की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन आया है कल के डेट में, वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो ये नोटिफिकेशन आंदोलन से पहले जारी होने का मतलब ये समझाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक अच्छी खबर है। कहीं कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभ की ओर जा रहे हैं, कहीं कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, आगे पहुँचाएँ, ताकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सबके मन के अंदर एक विश्वास, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति जागृत हो, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो सके। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मान लीजिए इसके पहले भी इस प्रकार के लालच दिए गए हैं एक बड़े आंदोलन से पहले, चाहे वो ईपीएफओ हो चाहे दूसरे संस्थाओं के माध्यम से बताया गया होगा कि मतलब कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जब भी बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं तब कोई ना कोई जानकारी ऐसी आती है जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ा फायदा होने वाला होता है, एक अच्छी जानकारी आती ही आती है। तो ये हो सकता है कि इसके उपलक्ष्य में, या यह भी हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी जो तो अचीवमेंट हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या थी उसका निवारण भी इसी प्रकार से होगा कि उसका निवारण ही हो ये एक प्रकार से, तो ईपीएस 95 पेंशन धारक पूरी तरीके से खुश हो जाएं, उनके लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आगे चल के इसी प्रकार के अच्छे अच्छे अपडेट मिले, यही मेरी आशा उम्मीद है। चलो दोस्तों, आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।